बिना किसी जात पात ऊंच नीच गरीब अमीर के राम जी ने ना ही चांदी सोने की थाली देखी, भक्त का भाव देखकर राम जी ने सूखे रूखे बेर खाए। राम जी के इस लीला से ये उपदेश ये ज्ञान प्राप्त होता है कि दुनिया में जाति कुछ नहीं होती है और कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता है, कर्म ही ऊंचा होता है, कर्म ही नीचा होता है, सब मनुष्य समान हैं। किसी भी जातिवाद को न बढ़ावा देते हुए राम जी ने ये अमृत लीला देकर नवदा भक्ति का ज्ञान सबरी को दिया और सबरी से मार्ग पूछा लंका जाने का, तो सबरी ने कहा मैं नहीं जानती लंका कहाँ है, पर यहाँ से आगे एक बहुत बड़ा राज्य है जिसका नाम है किष्कंधा, वहाँ के राजा सुग्रीव है, वो बहुत सज्जन है, वो आगे का मार्ग आपको बताएंगे। भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों किष्कंधा की ओर बढ़ पड़े। किष्कंधा में राज्य नहीं रहा सुग्रीव जी के पास, सबरी को बस इतना ही मालूम था कि वहां के राजा सुग्रीव हैं, पर सुग्रीव का एक लाचार दुष्ट भाई था, पापी, उसने सुग्रीव की पत्नी को हरण कर लिया, सुंदरी थी वो, तो बलपूर्वक छिना लिया, साथ में राज्य भी छिना लिया। सुग्रीव जान बचाकर वहां से भाग गए, क्योंकि बाली जो था उसको वरदान प्राप्त था कोई भी दुनिया का वीर उससे युद्ध करे तो उस दूसरे वीर का जो बल है वो आधा बाली में चले जाता था, तो बाली को कोई परास्त कर ही नहीं सकता था। और ये ब्रह्मा जी का वरदान है, कौन झूठा करे उसको। तो बाली था, पर सुग्रीव फिर कहां गया? सुग्रीव महाबली के पास गए, हनुमान जी के पास, प्रणाम करो पवन सुत हनुमान जी महाराज के। हनुमान जी रामायण में आज प्रवेश कर रहे हैं। कैसे हनुमान जी हैं, कैसे प्रवेश हनुमान जी ने किया रामायण में। राम जी जा रहे पैदल पैदल और सुग्रीव तो घबराए हुए हैं, एक बार मौत का डर आदमी को लग जाए तो फिर उसे अकेले भी नींद नहीं आती, और अकेले में पर्दा भी हिल गया तो उसे काल ही दिखाई देता है। सुग्रीव का हाल ऐसा हो गया, तो हनुमान जी सुग्रीव के हर समय दरवाजे पर बैठे रहते हैं। अंजनीय पर्वत पर गुफा में हनुमान जी ने सुग्रीव को बंद किया और एक पर्वत लाकर हनुमान जी ने लगा दिया गुफा के दरवाजे पर और कहा चिंता न करो, सामने कोई वनवासी आ रहे हैं, मैं उनसे मिलके आता हूं। तो हनुमान जी जैसे ही उतर कर आए हैं महाराज, हनुमान जी तो सदाचारी थे, और सदाचारी व्यक्ति की पहचान कब होती है, जब वो पहली बार किसी से मिले तो आप समझ जाना कि आदमी अच्छा है या बुरा है। पहली बार कोई भी व्यक्ति अगर हमें महापुरुष के रूप में मिलता है और आपका अभिनंदन बंधन अभिवादन नमस्कार अगर शिष्टापूर्वक है तो आपको जानने की जरूरत नहीं कि आप कैसे हो, पर आपके अभिवादन में नमस्कार में ही छुपा है राज आपके नकलेपन का और असलीपन का। हनुमान तो असली थे, तो जैसे ही राम जी को देखा सन्यासी के भेष में है, तो सन्यासी को हम जाने या ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, सन्यासी हमारे परिचय का हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सन्यासी का सम्मान कहाँ है वो फर्क पड़ता है। सन्यासी अपरिचित भी मार्ग में मिले तो भी हमें अपने इष्ट देवता का ही सम्मान उस सन्यासी को देना चाहिए जो पराया सन्यासी है, जो पराया महात्मा है। राम जी ने अपने इष्ट देवता का ही सम्मान दिया राम को, क्योंकि हनुमान के तो इष्ट ही राम है।
पर हनुमान को नहीं पता था कि यही मेरे परमात्मा है जिनका मैं रोज पूजा ध्यान करता हूं। राम जी ने एक घुटना अपना जमीन में टेक दिया और दूसरा घुटना उनकी छाती पे लगाया और दोनों घुटनों पर कोहनियां जमा करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसलिए इस आसन का नाम ही हनुमान दंड है। आपने कभी हनुमान दंड लगाई है किसी पुरुष ने? हनुमान दंड, हनुमान दंड 10 भी लगाएं रोज तो बैक में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बैक में रीढ़ की हड्डी में कभी दर्द पैदा नहीं होगा। हनुमान दंड रोज 10 लगाइए, बैक पेन कभी नहीं होगा, जिंदगी में कभी बैक पेन हो नहीं सकता। स्लो मोशन में हनुमान दंड लगानी चाहिए, अभ्यास हो जाए तो फिर है भी लगाओ। हनुमान दंड करके सर्च मोबाइल में करके देख लेना, ये प्रणाम करने का भी सही आसन है। राम जी को प्रणाम किया तो श्री राम जी ने हनुमान का बदला कैसे दिया? आप जिस आदमी को प्रणाम कर रहे हैं वो महात्मा संत अच्छा है या नहीं है कैसे पहचाने? तो आप प्रणाम करो खाली, और प्रणाम करने के बाद उनका रिएक्शन ही आपको बता देगा ये महात्मा नकली है या असली है। आप प्रणाम करते हैं तो भगवान श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़ के हनुमान के प्रणाम को स्वीकार किया। अभिवादनस्य शीलस्य, प्रणाम के हाथ जोड़ के आयुष्मान, निरोगी रहो, स्वस्थ रहो। कौन है बत्स आप? तो कहा प्रभु पहले आप बताओ स्वामी आप कौन है? प्रभु पहचाने परे उगहि चरना, प्रभु पहचाने परे उगहि चरना, सो सुख उमा जाहे नहीं परना, सो सुख उमा जाहे नहीं परना, पुलकित तन सुख आवन बचना, पुलकित तन सुख आवन बचना, देखर रुचिर देश के रचना, देखर रुचिर देश के रचना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हिंदुओं में भी सूर्य को प्रणाम करने वाले लोग 10-15% हैं, फिर भी सूर्य बिना किसी पक्षपात के मेरी कोई पूजा करो मत करो पर मैं अपना काम जरूर करूंगा, वो तुम्हारे सबके अंधकार को मिटा देता है। राम को कोई माने मत माने, राम की प्रतिष्ठा में कोई खुश हो या ना हो, पर वो सब पर कृपा करते ही रहेंगे। मंदिर नहीं था अयोध्या में तब भी वो कृपा कर ही रहे थे। बन गया तो सम्मान बढ़ गया, कृपा होती रहेगी, क्योंकि वो किसी के पूजा पाठ के भिखारी नहीं है, वो किसी के मान और सम्मान के आदि नहीं है, क्यों? वो पूर्ण ब्रह्म है। उनको हानि लाभ मान सम्मान से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये तो हम तुम सब लोग हैं, कमजोर लोग, जिनको बदनामी लगती है, कहीं सम्मान लगता है, ये सब हमारा जीवों का काम है, ब्रह्म को कुछ नहीं चाहिए। पर समय हर चीज का आता है, किसके द्वारा आए वो अलग बात है। सब अपना भाग लेके आते हैं, किसी व्यक्ति विशेष किसी पार्टी विशेष के राम है नहीं, पर निमित्त भाग्य किसी को दिया है राम जी ने तो वो राम जी ही जाने उनका भाग्य किसको जोड़कर
वो इस तरह प्रवेश कर रहे हैं लीला। तो हमारे सूर्यवंशी परिवार के माध्यम से आज ये राम कथा और ये मंदिर, तो भले ही सारा समाज सारा परिसर इस कार्यक्रम को उठा रहा है मिलकर, पर भाग्य तो सबको मिला है हमारे नीलकंठ जी के माध्यम से ही। तो परमात्मा ने जिसको चुना है वो चुना है, अब वो चाहे राजनीति हो, चाहे राजनेता हो, चाहे साधु हो, चाहे कोई पंडित जी हो, कोई भी हो, अनेक विद्वान पड़े दुनिया में, पर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करने का 100 अवसर जिन पंडितों को मिला होगा वो बहुत भाग्यवान है। अनेक विद्वान पड़े हैं दुनिया में, राम जी की सेवा करने के लिए हमेशा के लिए कोई पुजारी चयनित हुआ होगा वो कितना भाग्यवान होगा। अनेक विद्वान सबरी जैसे परम भक्त पड़े हैं, पर राम की सेवा उन्हें प्राप्त नहीं हुई अयोध्या में, और जिसको प्राप्त हुई मैं गारंटी से कह सकता हूं वो राम भक्त नहीं होगा। पर भाग्य को कहां ले जाएंगे, जो भाग्य में लिखा है वह है राम स्वयं जोड़ लेते हैं, अपने भक्त बना लेते हैं। जो भक्त नहीं है तो भी भाग्य का फल राम भक्त बना देता है, और राम जी का दरवाजा रोज सूर्य की तरह ही खुलेगा। राम जी सूर्य की तरह मुंह खड़ा करके दर्शन देंगे, सबको अधिक लाभ प्राप्त होता है ऐसी वास्तु से। वास्तु और भी तरीके के होते हैं, उनसे भी लाभ मिलता है, पर ये जो वास्तु है इससे अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है भक्त को, भगवान के तेज की रिफ्लेक्स होता है सूर्य। जैसे आप ऐसे शीशा कर लो और शीशा में सामने से अगर सूर्य टकराता है तो शीशा की वजह से ही आपके पूरे कमरे में प्रकाश हो जाता है। जब प्रकाश की व्यवस्था अच्छी नहीं थी तो शीशा की मदद लेके लोग कुआं में घुसते थे, नीचे कुआं में अंधेरा होता है, शीशा से कुआं में प्रकाश कर देते मराठी लोग, और कुआं की पंप मोटर सबको काम करके बाहर आ जाते। यह है पूर्व दिशा में सूर्य को कांच दिखाने का फल। अगर आप सुबह सुबह उठ करके शीशा बन के सूर्य को अपना चेहरा दिखाएंगे तो आपके चेहरे से ही सब अंधकार मिट जाएगा, प्रकाश आ जाएगा खोपड़ी में। इसलिए सूर्य का ध्यान रखो सुबह सुबह, जिधर से सूर्य उग रहा है उधर अपना मुख दिखाओ और अपनी गंदी इंद्रियों को उधर कभी मत ओपन करो। हमेशा सूर्य की लाज करो, पेशाब करते समय सूर्य के विमुख होकर के पेशाब करने बैठना चाहिए, हमेशा सूर्य की तरफ पीठ करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। ये क्या है महाराज, ये परम सत्य विज्ञान है। सूर्य की किरणें जिस वेग से आती हैं उतने ही वेग से धरती को टच होती है, फसल पर पड़ी हुई ओस को वो सूर्य की किरणें सुखा देती हैं, घास जो हरी है उसे 8 दिन में सुखा देती हैं, उसका प्रभाव समझो। प्रातः काल का उगता हुआ सूर्य जो होता है वो चेहरे के लिए बताया है, और दोपहर का जो सूर्य होता है वो पीठ के लिए बताया है। पीठ जो है वो अधिक गर्मी को सहन करती है, तो दोपहर की जो धूप है वो पीठ पे आनी चाहिए। सिर पे कपड़ा बांध लो दोपहर को 1:30 बजे 2 बजे, सिर पे थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा होना। ये टोपी क्यों पहनते हैं पुरुष, इसका रीजन भी वही है, ये थोड़ा सा कपड़ा बांध के मजदूर काम करता है, क्यों, उसका भी रीजन वही है। सीधा सूर्य, यहां ब्रह्मरंध्र होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, ऊपर से लेयर लगा हुआ है मांस और चमड़ी का, उसको तलवा कहते हैं। छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनका दिखता है, बड़े होने पे नहीं दिखता है, मांस लेयर बड़ा हो जाता है। उस तले चोट लगना, उस तलवे पे थप्पड़ लगना, उस तलवे पे कुछ होना, सूर्य की किरण पड़ना, ज्यादा तापमान होना, आंखें नष्ट हो सकती हैं, उससे आंखें जा सकती हैं। इसलिए किसी को ब्रेन का बुखार माथे का बुखार आ जाए तो उससे आंखें जाने का डर पैदा हो जाता है। इसीलिए 1 से 3 बजे का सूर्य हमेशा सिर पर
कपड़े के साथ ही लेना चाहिए। अब ये बात कहां से सीखोगे? ये बात वही बता सकता है जिसने वेद पढ़े हो। हाँ, कथा करने वाले को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। आज मरो, कल मर जाओ, परसों मर जाओ, अंधे होके मरो, लंगड़े होके मरो, किसी को कोई लेना देना। 7 दिन के बाद कथा करने वाला लौट के थोड़ी आता है। कई लोग कथा करके गए, देख लेना लौट के आ जाए तो कोई मर जाओ गिर जाओ, पर नहीं, सन्यासी साधु ऐसे नहीं होते। साधु सन्यासी कथा करते हैं पर उनका नित्य अलग धर्म होता है, केवल कथा करने वाले का अलग धर्म होता है। तो साधु आचार्य में फर्क है, सन्यासी आचार्य में फर्क है, कथाकार में साधु में फर्क है, और सबकी रीति रिवाज में फर्क है। तो ये शिक्षा क्यों दी जा रही है? इतनी साधारण रामायण क्यों नहीं सुनाई जा रही? रामायण को इतना चारा खोल खोल के क्यों बताया जा रहा है, उसके रहस्य? क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं, मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, और अन्न खाने से तुम्हारा कल्याण होना चाहिए, और तुम्हारे पेट में जो बालक आएंगे वो भी ऐसे पैदा होने चाहिए जो राम राज्य की रखवाली करने वाले हों, राम के दुश्मन ना हों। मजदूर भी अच्छा हो, ईमानदार हो, तो मालिक का प्यार हो जाता है मजदूर से, ये ध्यान कर लो। कई मजदूर ऐसे हैं कामवाली कामवाले के मालिक को चलता ही नहीं उनके बगैर, मालिक पूरी चाबी का गुच्छा कामवाली के हाथ में। और कई कामवाली ऐसी हैं कि जब तक कामवाली घर में रहती है तब तक मालिक निकलती ना घर से, टेढ़ी टेढ़ी आंख देखती रहती है, क्या कर रही है कामवाली, क्या कर रही है कामवाली, कामवाली का विश्वास नहीं है ना। इसलिए मेरा कहना है कि जो भी कामवाला है वो इतना ज्यादा विश्वास जीत ले मालिक का कि सारा का सारा मालिकाना हक कामवाले के हाथ में आ जाए, इतना विश्वास से काम करो किसी का। तो हम श्री राम का काम कर रहे इंद्रदेव, तो विश्वास राम का जीतना चाहते हैं, इसलिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो हम तो भगवान के काम वाले हैं, सेवक हैं, दास हैं, उनका काम हम छल कपट से नहीं करेंगे। राम हर समय मेरी तरफ ही देखे, कांगो इंद्रदेव, का कर रो इंद्रदेव, ना आजाद छोड़ दे मुझे छुट्टा, पूरी संपत्ति पर अजर घूमने दे मुझे, सब तेरे हाथ में ले भाई इंद्रदेव। इतना भरोसा तो भगवान पर हमारा होना ही चाहिए, इतना विश्वास एक शिष्य के ऊपर गुरु का होना चाहिए। ऐसा शिष्य बने, ऐसा बेटा बने, ऐसा काम वाला सेवक बने तो मजा आ जाता है सेवा करने में। बिना कुछ पूछे कहे सारी दुनिया सौंप दी जाए, ऐसी सेवा, ऐसे इस भक्त, ऐसा शिष्य बनो, उसका परिणाम ये होगा कि बड़े बड़े लोग तरस जाएंगे, बॉर्डर लगवाएंगे, फोटो लगवाएंगे, पर्चा छपवाएंगे, तब भी दुनिया नहीं जानेगी, और तुमको बिना पर्चा के पूरी दुनिया जान जाएगी। ऐसा फल प्राप्त होता है अच्छी सेवा का, ईमानदारी का, सेवा करने से। और कई लोग अपने ही पैसे से पोस्टर लगवा रहे तो भी कोई पहचानने को तैयार नहीं है। यहां वहां जहां तहां सब जगह चित्र चित्र चित्र, पर नहीं कोई पहचान रहा। और कई ऐसे हैं जिनको चित्र की जरूरत नहीं है, उनका चरित्र ही पूरी दुनिया में परिचित बन गया है। राम जी ने बाली का वध किया, सुग्रीव को राजधानी पे राज्य दिया। ईमानदारी थोड़ी परेशान तो रहती है, पर शासन ईमानदारी ही करती है। सत्य परेशान तो है, पर सत्य का ही तेज है दुनिया में, असत्य तो मुरझा जाता है थोड़ी थोड़ी बात पर। समस्त वानर सेना आई और एक मीटिंग हुई, आपातकालीन बैठक। उसमें नल नील को बुलाया गया, जामवंत जी भी आए। सबको कहा कि सीता की खोज कैसे की जाए, श्री लक्ष्मी की खोज कैसी की जाए, उस शक्ति को कैसे ढूंढा जाए, वो शक्ति कहां है।
तो सबने अपना अपना बल बताया, बुद्धि बताई, ज्ञान बताया, तो कोई 10 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर समुद्र में खोज कर सकते हैं। जामवंत जी ने भी कहा कि मैं लंका जा सकता हूं, पर मेरा बल इतना नहीं है कि मैं फिर वापस आ जाऊं, मेरी उम्र हो गई है। इसीलिए यहां मेरा एक शिष्य है हनुमान, वो बलवान है। हनुमान जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं कहां, मैं तो आपके चरण की धूल हूं, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे आऊंगा। तब गुरु जी ने हनुमान जी को यहां बहुत उपदेश दिए। जामवंत ने, जब शिष्य अपनी शक्ति भूल जाए, अर्थात अब आज तो सब मेरे शिष्य है पांडाल में, मैं उसी भाव से कथा सुना रहा हूं, जब आप अपनी शक्ति भूल जाते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी शक्ति को याद कराऊं कि आप कौन हैं और कहां बैठे हैं आकर। क्या करने आया बंदे और क्या कर रहा है, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारा काम नहीं था, पर तुम कर रहे हो, उसके लिए ही भगवान भेजते ही महात्मा साधुओं को कि इनको रास्ता बताओ। तो हनुमान जी को जामवंत जी ने उनके बचपन की सब कथा सुनाई कि तुम बचपन में ऐसा ऐसे लीला किए थे, इसलिए हे हनुमान तुम्हें बल का अहंकार नहीं है, इसलिए ही तो तुम महावीर हो और इसलिए तुम हनुमान हो। माने ही हने ही थी हनुमान, जो झूठे मूठे सम्मान का हनन कर देते, मार डालते अपने सम्मान को, वही राम के परम भक्त बनते हैं। और जिनमें छोटा मोटा अहंकार है वो राम भक्त कभी बन नहीं सकते, उनमें बल कभी नहीं आएगा। हनुमान तो सूर्य से भिड़ गए थे बचपन में और सूर्य को रख लिया था मुख में सुबह सुबह, यही मैंने बताया, सुबह सुबह मुख में रख लो सूर्य को, हनुमान हो जाओगे। हनुमान जब हो जाओगे तो क्या गुण आएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये गुण आएगा, ज्ञान पैदा होता है। सूर्य के सुबह दर्शन करने से भव्य ज्ञान पैदा होता है, भव्य स्मृति पैदा होती है, याददाश्त बहुत मस्त हो जाती है। पढ़ पढ़ के परेशान है सब, और इतने पगला गए बच्चे रात में पढ़ते, रात भर पढ़ते। अरे रात जो है बुद्धि फेल करने के लिए होती है, बुद्धि को पास करने के लिए रात नहीं होती है, तुम पागल हो गए हो। रात, अच्छा बोलो, काला कपड़ा आंखों पे डाल लो कुछ दिखता, और सफेद कपड़ा लगा लो आंखों में कुछ न कुछ दिखेगा, लाल कपड़ा लगा लो, पीला लगा लो, हरा लगा लो, दिखेगा, कलर बदल जाएगा धूप का पर दिखेगा, पर काला कपड़ा डाल लिया तो कुछ भी दिखने वाला नहीं है। अर्थात रात क्या है, काला वस्त्र है, दिन क्या है, ये व्हाइट सफेद वस्त्र है, दोनों वस्त्रों को ओढ़कर हम चल रहे हैं। जब काले की जरूरत है काला पहनो, जब सफेद की जरूरत है सफेद पहनो, पर जब सूर्य उदय हो गया है, काला कपड़ा है ही नहीं, और तुम काला कपड़ा बना के जबरदस्ती ओढ़ के सो रहे हो, बल्ब बंद, चादर डाल के अंधेरा कर रखा है आंखों के सामने, मुंह में रजाई ओढ़ रखी है, और पूरी दुनिया रोशनी में है और ये बिस्तर में अंधेरे में पड़ा हुआ है, जबरदस्ती अंधेरे में शॉल ओढ़ ली, रजाई ओढ़ ली, कम्बल ओढ़ लिया, और 11 बज रहे हैं घड़ी में और अभी भी अंधेरे में पड़ा है, अब बोलो इसको दुनिया कैसे दिखेगी। अरे पगले, 11 बज गए, सुबह 5 बजे कार लेके निकला, चाचा बंबई पहुंच चुका है और तू तो बिस्तर में ही पड़ा है, फिर चिढ़ता है चाचा से, चाचा इतना आगे कैसे चला गया, हम पीछे कैसे रह गए। 11 बजे उठेगा तू, चाचा 5 बजे उठेगा तो आगे चाचा जाएगा, तू जाने वाला नहीं है, मर जा चिड़ चिड़ के। खाना पीना सोना जगना उठना बैठना चलना आ गया तो इंसान हो गए है। इंसान में और पशु में फर्क क्या है, सोने का फर्क है और क्या फर्क है, बैठने का फर्क है और क्या फर्क है। भैंस अपने गोबर पे बैठ जाती है, तुम में से कोई है माई का लाल है,
भैंस अपने मूत्र को अपने ऊपर स्वयं छिड़कू, तुम में से कोई है? यही फर्क है बस, और क्या फर्क है? दुनिया में ये बात कहां से लाओगे? जिंदगी में कभी नहीं सुना तुमने ऐसा? कथा बार बार सुनोगे, हजार लोग कथा सुनाते हैं, करोड़ों लोग वक्ता अच्छे अच्छे हैं कथा के, हाँ? पर तुम्हारे सामने दर्पण लगा करके तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाया तो कथा कहने का मतलब क्या होता है फिर? ये सत्संग ही तो दर्पण है जो दिखाता है तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या कर रहे हो। एक्सरा है, एक्सरा एक्सरा। साउथ अफ्रीका, अप्पा साहेब, साउथ अफ्रीका की एक लेडीज का एक्सरा निकाल लो और बाद में कैटरीना कैफ का एक्सरा निकाल लो, दोनों का सेम टू सेम आएगा, क्योंकि एक्सरा सत्य चीज है और ये चमड़ी नकली है। एक्सरे में अंदर का दिखता है और चमड़ी से अंदर का कुछ भी समझता नहीं है, और एक्सरा पूरा अंदर का लाता ढूंढ के। तो एक्सरा ये बताता है कि अंदर से सब एक जैसे ही, हाँ। अच्छा, जिस पे फेयर एंड लवली लगा करके आंखों में थोड़ा सुरमा डाल के, यहां पे गुलाब गुलाब गोल गोल सब फूल चुपका के, हम अपने आप को कितना स्मार्ट और सुंदर दिखाना चाहते हैं, पर इसी चेहरे का अगर एक्सरा निकाल के तुम्हें अचानक दिखा दिया जाए तो ऐसा लगेगा चांडाल आ गया सामने से। सबसे गंदा चेहरे का ही एक्सरा होता है, सबसे खतरनाक एक्सरा चेहरे का। इतना ये जो सबसे सुंदर दिखता है इस पे दुनिया मर रही है, यही सबसे खतरनाक आता है एक्सरे में। आप पीठ का एक्सरा ले लो, पीठ तो वैसे ही ऐसी बिचारी है, उसका एक्सरा ले लो, कुछ खराब नहीं दिखता, बढ़िया दिखता लेंटर सा, ऐसा लगता है कि आरसीसी डालना बाकी है, सेंटरिंग हो गई है। पर ये बहुत खतरनाक है महाराज, और सारी दुनिया इसी को लगी है सजाने में, दहे धड़ाधड़ दहे धड़ाधड़ दहे धड़ाधड़। महात्मा इंद्रदेव क्या कह रहे हैं? मौका इस जीवन का, मौका इस जीवन का, गुलजार चमन कर ले एक बार, भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। आज मौका है चमन करने का, चमन माने बगीचा, और बगीचे में कैसा चाहो वैसा फूल खिला सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है, ये भगवान के हाथ में नहीं है। कोई भी ऐसे भरोसे में मत रहना कि भगवान जो करेंगे वही होगा, ना, भगवान ने केवल 6 चीज अपने पास रखी है, बाकी सब तुमको दे रखी है। कौन कौन सी 6 चीज है? ये दुनिया बोलती बोलती बड़े बड़े ज्ञानी ठोक देते हैं बात कि सगड़ा भगवान कड़े आए, मानस के कड़े काई नहीं। अरे हमने कहे मानस के कड़े तो अंडा है, मांस है, बकरी है, जिंदा खा जाए, मरे खा जाए, ये किसके कड़े है? अरे बाबा, ये भगवान कड़े का ये सगड़ा कार्यक्रम, ये हमारा निजी है। भगवान के हाथ में 6 चीज हैं। पहले रामायण की बताता हूं प्रमाण, फिर वेद का बताऊंगा। रामायण में गोस्वामी कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस प्रभु हाथ, ये 6 चीज भगवान के हाथ में है। अब वेद मंत्र, स्तुता मया वर्धा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी ध्वजानाम। अब गिनो, आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, ये भगवान के हाथ में 6 चीज।
तुम्हारे चाहने से प्रजा बालक नहीं होंगे, ये तुम्हारी औकात ही नहीं है। कोई ये चाहे कि मैं पप्पा बन जाऊं, पप्पा बन जाऊं, माता फोड़ फोड़ के मर जा, बनने वाला कोई और चाहेगा तब होगा ये काम। तुम चाहो कि मैं पैसे वाला हो जाऊं, पैसे वाला हो जाऊं, पैसे वाला हो जाऊं, बेईमानी करो, चक्की करो, चोरी करो, डाका डालो, खेत करो, कुआं करो, व्यापार करो, तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने गए, हो नहीं सकते। हानि लाभ, खेत में छिड़कने वाली दवाई पी गए कई लोग, काय के लिए, मरने के लिए, और मरे नहीं, मरे ही नहीं, अभी तक जिंदा है, कई होंगे इसमें भी। और नाम बचा ला, डॉक्टर साहब ने बचा डाला, ना डॉक्टर नहीं बचाता, जो मारता है वही बचा सकता है, और कोई बचा सकता नहीं, नहीं है। बोलो जन्म किसने दिया है, परमात्मा। तो मारने का अधिकार, हाँ हम जन्म देने वाले नहीं है तो मारेंगे कैसे किसी को। कारगिल का जब युद्ध हुआ तो एक उत्तर प्रदेश का एक फौज में आदमी था, जाट रेजिमेंट में, तो अभी उसे पुरस्कार मिला था, राष्ट्रपति पुरस्कार। तो पुरस्कार किस बात का मिला था, उसको 17 गोली लगी उसको, और जिंदा घर पे आ गया। और कुछ लोगों को भी पुरस्कार मिला, उसकी बीवियों को बुला बुला के, विधवा हो गई, उनको दिया पुरस्कार, मेडल दिया उनको भी, वो काय बात का दिया कि एक ही गोली में गया, पर देश के लिए गया इसलिए पुरस्कार मिला। 17 गोली में नहीं मरा कोई, और एक गोली में मर गया। किसकी इच्छा है ये, उनकी इच्छा है, पर बाकी सब हाथ में तुम्हारे है। ये 6 चीज छोड़ के सब कुछ मनुष्य के हाथ में भगवान ने सौंप दिया है, सब तुम्हारे हाथ में है महाराज। कल अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आज अच्छे हो जाओ, भगवान को लगेगा कि अच्छा हो गया है तो कल अच्छा ही होगा। अच्छा हो जाए, 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 चिल्लाते रहो और तुम अच्छे बनो मत तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे भाग में जो लिखा है वो तो मिल जाएगा, भगवान बेईमानी नहीं करते, पर कल 5-10 साल में 0/0, क्योंकि भाग्य का था मिल गया, पुरुषार्थ में कुछ था ही नहीं। तो भाग्य जिनका अच्छा है, जिनके पास धन है, वैभव है, पद है, गौरव है, समाज में पहचान है, उनको बहुत अच्छा जीवन जीना चाहिए, उनको फुल मानवता का जीवन जीना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हाथ पकड़ा हुआ है ना, तो गलती मत करो। आप गिरे पड़े हैं, सड़ रहे हैं, गड़ रहे हैं, झोपड़ी झट्टी में सोते हैं, रूखा सूखा खाते हैं, गलती हो जाए कोई बात नहीं, परेशानी में गुस्से में गलती हो गई, गरीबी में गलती हो गई, पर अमीरी में गलती करना ठीक नहीं है। भगवान के साथ रहकर गलती सुधामा ने की थी, पूरी जिंदगी भर तड़पता रहा रोटियों के लिए, यही मैं समझा रहा हूं। अकेले दुकेले में, भिखारी में, गरीबी में गलती हो जाए ठीक है, पर भगवान ने हाथ पकड़ रखा है, उन्नति हो रही है, धन है, वैभव है, सब है, तो ऐसी स्थिति में कोई अपराध, कोई गलती नहीं करनी, नहीं तो भगवान पूरा सरे से खत्म कर देता है जिंदगी को, कुछ नहीं छोड़ता। क्यों? जैसे आप सोचते हैं वैसे भगवान भी सोचते हैं। आपने अपने बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए, इकलौता बेटा है, उसकी मन में था कि मर्सरी कार आ जाए, तो पापा ने कहा अकेला है किसके लिए, ले चलो भाई ले लो, मर्सरी गाड़ी दिलवा दी। और जैसे ही शोरूम से निकाल कर नींबू तोड़ करके बाहर आया, चौराहे पे लाकर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी छोरा ने, और शाम को फिर पहुंच गया पापा दूसरी मर्सरी गाड़ी। तो पापा फिर क्या करेगा तुम ही बताओ, क्या करेगा पापा, जूता उतारेगा कि नहीं? और मुझे लगता है बिना गिनती के
ले मरसरी ले मरसरी ले मरसरी ले मरसरी ले मरसरी, ताजा ताजा बाल उड़ा करके बिना उस्तरा के गंजा कर देगा। पप्पा अगर उसी गाड़ी को बेटा सदुपयोग करता है, उससे धन बढ़ाता है, व्यापार बढ़ाता है, नाम बढ़ाता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसे सही जगह खड़ा करता है, समय पे धोता है, पहुंचता है और उसका सदुपयोग करता है, तो पापा गदगद होकर के बिना मांगे, नहीं बेटे अभी नहीं आई है वो फलानी वाली, वो लेके आ। तो भगवान ने तुमको ये मरसरी दी है शरीर, और ये शरीर को पा करके जो तुम गद्दारी कर रहे हो ना, अगली बार ये मरसरी मिलने वाली नहीं है। पापा नाराज है तुमसे, आज उसने आखिरी गैरेज में लाके खड़ा कर दिया है कि आज आखिरी है, आज के बाद ये गैरेज मिलने वाला नहीं। डेंटिंग पेंटिंग जो हो गई है आज ही करवा लो, फिर ये महाराज मिस्त्री जो है वृंदावन चला जाएगा, और फिर यहां जो स्क्रेच पड़ी है वो रह जाएंगी। बोलिए गाड़ी वही है जो मंदिर ले जाती है, मंदिर रामेश्वर जाना, रामेश्वर आमोदा आए, चलो रामेश्वर जाके आएंगे, 5-6 किलोमीटर है, दर्शन करे आए, बहुत बढ़िया गाड़ी इसी के लिए तो होती है। पर वही गाड़ी शराब के ठेके पे ले जाती है, वही गाड़ी कसाई के खूटे पे ले जाती है। गाड़ी ले जाती है कि तुम ले जाते हो गाड़ी को? गाड़ी तो जड़ है, गाड़ी तो जड़ है, लोहा है, लोहा वो ले जाने वाले के लिए नहीं बनी है, वो तो उपसाधन है, उपसाधन। असली साधन भगवान ने काया दी है शरीर, पैदल चल के चले जाओ बिना खर्चे, बिना पेट्रोल, बिना टैक्स के। अच्छा बोलो अप्पा साहेब, टोल टैक्स लगता है क्या पैदल आदमी को? नहीं लगता। आजकल जो है नितिन गडकरी बढ़िया बढ़िया रोड बना रहे हैं, एक बंबई में बनाया है समुद्र पे, बहुत महंगा टोल है, पर भगवान ने जो गाड़ी बना के भेजी है उसका टोल उस पे भी लगने वाला नहीं है। तो अब बताओ कंपनी की गाड़ी महंगी और बॉस है कि तुम्हारा ये काया महंगी और बॉस है? इस काया को कहीं टोल नहीं है और ये फ्री है ना, इसलिए तुम बिगड़ गए हो। दे बकरा, दे मुर्गा, दे अंडा। है? अच्छा मत सुधरो, तुम जितने भी कार ले लेके आए हैं ये सब में डीजल की टंकी में छेद करके इनका डीजल निकाल दो भैया, इनका पेट्रोल निकालो, और जिसमें हलवा बन रहा है भंडारे के लिए वही टैंकर का पानी भर दो, और फिर घर जाके बताओ इसी कार से, जिस कंपनी ने जिस ईंधन से चलने के लिए इंजन बनाया है वो उसी से चलेगा। अगर ईंधन गलत पड़ गया तो गाड़ी बीमार पड़ो, गाड़ी बीमार पड़ जाएगी। तो ये जबड़ा, ये दांत, ये लीवर, ये मेथी के लिए बनाया है, पालक के लिए बनाया है, अंडा मांस के लिए नहीं है। बकरी का लीवर और मनुष्य का लीवर एक जैसा होता है, साइंस में जाके ढूंढ लो, जो पढ़े लिखे कोई डॉक्टर होंगे उनसे जाके पूछ लेना, मैं तो हूं पढ़ा लिखा। बैल का लीवर और मनुष्य का लीवर सेम टू सेम, बैल ईमानदार है इसलिए बुढ़ापे तक बलवान रहता है, और ये मनुष्य इतना बेईमान है कि बुढ़ापे से पहले ही बूढ़ा होके आ काय जाला बाबा बाबा काय जाला, अरे महाराज काय सांगू तुम्हाला, घुडला माझा गोडा गेलो महाराज, गुड़गा गुड़गा गेला काम तू है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, किधर मुंह करके पूछूंगा, वो एक सवाल आ रहा है, इधर ही बीआईपी है सब,
बैल एक्सीडेंट में पैर को हादसे में कोई चोट लग जाए अलग बात है, पर बैल मृत्यु पर्यंत लंगड़ा होता नहीं है। कारण भोजन का नियम, भोजन का नियम। अभी हम रेल में सफर कर रहे थे और एक बिगड़े हुए घर का लड़का ऊपर सीट पे, बंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो भी कुछ आए बेचने वाला वही ले और खाए, एक को भी खाली जाने नहीं दे रहा था। समोसा दो, सैंडविच दो, खाते जा रहा खाते जा रहा खाते जा रहा खाते जा रहा। मुझे लगा कि एंड हो गया होगा, पानी वानी मांगेगा ना। फिर वो आया चाय वाला, चाय चाय पी गया। फिर थोड़ी देर में वो आया कॉफी वाला, फिर कॉफी भी पी गया। तब तक सुबह 6 बज गए, खा ही रहा रात में। सबसे एंड हो गया फिल्म का, तब पानी पिया उसने। किसी को दस्त हो जाए, रुक नहीं रहे हो, तो उसको आधा कप चाय और चाय पी के ठंडा पानी एक घूंट पी लो, दस्त खत्म। वहीं के वहीं दस्त रुक जाएगा। गर्म चाय पी के ठंडा पानी पी के दस्त रुक जाएगा। मतलब ये ज्ञान, ये साइंस ये बता रहा है कि आपने कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली, डोसा खा लिया, समोसा खा लिया, चाय के ऊपर से फिर पानी पी लिया, इसका मतलब है कि 4 दिन अब ये संडास जाने वाला नहीं है। ये है इसका मतलब। अब बताओ, 4 दिन कोई आदमी लैट्रिन न जाए तो ये तो पक्का है कि इंसान के अंदर इतनी खूबी है कि वो चाहे जाए या ना जाए पर खाएगा जरूर। खाने का बंद नहीं रहता, और उसे पता है कि 3 दिन हो गए, कोई नंबर नहीं है कार्यक्रम का, ये ध्यान कर लो। तो जितने भी टांग चूसने वाले हैं, इनका पेट कभी अच्छा रहता नहीं है, कभी अच्छा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमारी जो आते हैं वो मांस के लिए नहीं है, घास खाने के लिए आते बनाई है भगवान ने। मनुष्य का भोजन घास फूस है बंधुओं, ध्यान रख लो, चैलेंज से कह रहा हूं। मनुष्य का भोजन वो है जो मनुष्य पैदा करता है। पहली बार आए हो आज कथा में, लास्ट में आशीर्वाद लेने बहुत चालू है। शर्मा जी ने कल बता दिया है ना कि जो 6 दिन नहीं आता, खाली लास्ट वाले दिन आता, उसे पूरा फल मिलता है। तो काय को 6 दिन जाए फालतू का? तो फल भले ही पूरा मिलेगा पर ज्ञान तो 6 दिन का तुम्हें मिलने वाला, वो तो लुट गया तो लुट गया। मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता किसी के लिए, और वो किसी का गुलाम नहीं है। पर इन आंखों में पूरा खूबी है, ये रोज गिनती करती हैं आंखियां इंद्रदेव की, रोज मार्क लगाती हैं, टिक। 3 दिन वाला कौन, 2 दिन वाला कौन, 1 दिन वाला कौन, हंस रहा कौन, रूठ रहा कौन। वैसे मुझे कहा गया है कि कथा 10 बजे पूरी हो जाए, पर मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरी। आज आखिरी दिन है, आखिरी मिनट बचे। मेरे को ये लग रहा है कि जितना धोना इंद्रदेव धोले, फिर साल भर के बाद ही नंबर आवेगा धोने को। मैं क्या चाह रहा हूं पता है तुम्हें? मैं ये चाह रहा हूं कि अगली साल जब मैं आऊंगा गाड़ोदे में, तो रोड पे मुझे, जब मैं गाड़ी घुसे तो मुझे कुटरकू कुटरकू
थोड़ा घूमते फिरते दिखने चाहिए, मुझे दिखना चाहिए कि कथा का असर है, मुर्गे बिचारे घूम रहे, और मुझे ये दिखने को होना कि 15-20 झुंड में जा रहे बकड़े, खेत खाली हो गया पांडुरंग का, उधर बकड़ियां चढ़ रही हैं, बकड़े खा रहे हैं। तो जब से आया हूं तब से मुझे खाली यहां कुत्ते तो दिखे, पर कोई मुर्गा बकड़ी बकड़ा कुछ दिख ही नहीं रहा। सफाया पूरा धो पहुंच के क्लियर कर दिया है, यहां छोड़ा ही नहीं, अब जलगांव जाना पड़ता है लेने के लिए।